I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. चले गए और कह गए थे भाभी से कहना फिक्र न करे, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें खत लिखते। अरे पता तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है उनका पता। तुम्हारे पिताजी भी तो उसी गांव के थे। माँ पिताजी क्या काम करते थे? वो और तुम्हारे राजू चाचा साथ साथ गाया करते थे। और अनिल, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम्हें बहुत बड़ा कलाकार बनो। मैं जरूर बनूंगा माँ, मैं अपने पिताजी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अच्छा, अब हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। खाना खा के हाथ मुंह धोएंगे, बड़ी जोर की भूख लगी है। पर माँ हम अकेले काम पर कैसे जाएंगे? अकेले क्यों, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। खाता क्यों नहीं? तू तो जानती है माँ, हम तेरे हाथ से ही खाना खाते हैं। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, मेरे बाबा बोले थे दिल से गाना, गले से मत गाना। तुम बजाती हो ये? हाँ बजाओ जरा। तुम गाओगे ना? हाँ। तुम्हारा ये गाना मुझे भी याद हो गया है, चलो शुरू करें। 1 2 3
you bastard? What are you doing? You idiot! Get out! Stop! जेरी कितना अच्छा गाता है मैं ये यू सैम ले आओ सैम गाना तो तेरा अब मैं सुनूंगा हराम साजे देखो सेठ गाली मत दो हम तुम्हारी छोकरी के आगे सपाल गड़ा था सुन का बच्चा छोड़ दे माँ को इतना मारो कि इस घर का क्या शहर का रास्ता पूछे छोड़ दीजिए अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को बचाइए मार डालेंगे उसे आप ठीक वक्त पर आ गए इंस्पेक्टर ये लड़का किताब चुरा कर भाग रहा है मेरा बेटा जोन नहीं है इंस्पेक्टर चुकाओ इंस्पेक्टर इन सड़क छाप लोगों की वजह से जीना मुश्किल हो गया है आप ले जाइए इसे मैं किसी और को भेजता हूँ आपके पीछे पीछे एफआईआर लिखवाने के लिए गिटार मैंने चुराया है इंस्पेक्टर साहब गरीब बच्चा है इसे अच्छा लगा मुझसे रहा नहीं गया मुझे ले जाइए हवलदार बच्चे से गिटार ले लो तू घर से बच्चे मैं नहीं ले जाने दूंगा अपनी माँ को इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ है मेरी माँ चोर नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं भी चोर नहीं इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ है ये रोटी तेरे वास्ते मैंने अपने हाथों से बनाया माँ माँ ले खा घबराने की कोई जरूरत नहीं माँ हम जेल के बाहर ही बैठे हैं हमने फैसला भी कर लिया है कि हम जल्दी बड़े हो जाएंगे और उस पंगले वाले सेठ को छोड़ेंगे नहीं अरे देखो देखो दो चोर आ रहे हैं दी तो किसी बड़ी चीज पे हाथ मारना था चुप रहो मेरी मां चोर नहीं है तो ससुराल किस लिए गई थी फायदा नहीं मानने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं बोलने वाले की जुबान नहीं पर माँ माँ तूने कोई चोरी नहीं की तू तो जानता है ना बस फिर क्या है बोलने तो नहीं हम ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे थैंक यू बहुत हार्ड यंग मैन तुम बहुत लकी है हम जब से पैदा हुआ है हमारा फर्स्ट मैरिज है तो शादी मुबारक हो थैंक यू 100 rupees थैंक यू एंड आई इंट्रोड्यूस मायसेल्फ आई एम हिज अंकल थैंक यू नाइस मीटिंग कम ऑन चिल्ड्रन नो हस्बैंड कम यस टा 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 रा 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 टा रा 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 ये ले
ले ले। दिल छोटा मत कर यार, 100 रुपया तो मिला। जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना, सबको मालामाल कर दूंगा। चल। इतना बड़ा हो गया है लेकिन माँ के हाथ से खाता है, शर्म नहीं आती? अपने हाथ से खाने में तुम्हारे हाथ का मजा जो नहीं आता। माँ, जिस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, और हमारा वही बेदर्द शहर मुझे सम्मान देगा, उस दिन पार्टी में तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा। और उस दिन उस बेदर्द शहर को याद दिलाऊंगा कि मैं वही बच्चा हूं जिसके सामने तूने उसकी मां की तौहीन की थी। तो भूल क्यों नहीं जाता ये सब? भूल कैसे जाऊं, कभी नहीं भूल सकता। वो दिन तो मेरी आत्मा पर एक ताजा जख्म की तरह जिंदा है। उस दिन जब वो आदमी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, उस दिन उस शहर की सड़कें, उसके पेड़ों की साए, उसकी धूप, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उस शहर को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। मां, मेरे पास मेरा म्यूजिक है, इस म्यूजिक को मैं तलवार की तरह तेज करूंगा और उस शहर के सीने में उतार दूंगा। हाय डैड। हाय बेटे। बस मैं चल दिया। कब तक लौटोगे? कुछ कह नहीं सकता, दरअसल यहाँ से पूना जाऊंगा, फिर वहां से गोवा, और अगर मूड बन गया तो शो के बाद कुछ दिनों के लिए वहां रुक भी जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। बाय बाय बाय। Excuse me. Who is this bastard? Sam, मैं डेविड ब्राउन हूं, तुम्हारा मैनेजर। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ग्रीन रूम और बेडरूम में क्या फर्क होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं हूं, काम बोलो और मुझे आराम करने दो। ओह हनी, ये काम से फुर्सत हो जाए तो तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाना है, कल चंडीगढ़ में तुम्हारा शो है। तो हेल विद चंडीगढ़, जाइए, जाकर अपने बॉस से बातचीत करने का तरीका सीखिए। चंडीगढ़ को सैम का म्यूजिक चाहिए ना, तो कहिए कि सैम के पास आए। देखो सैम, इस लड़की से कहीं ज्यादा कीमती है तुम्हारी ऑडियंस, जो कल शाम को तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हें चलना पड़ेगा, इट्स अ कमिटमेंट। और अगर मैं कहूं कि मेरा मूड नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी बर्बादी के दिन आने वाले। सैम कभी बर्बाद नहीं हो सकता। सैम इज ग्रेट, यू नो, सैम इज द म्यूजिक किंग, सैम इज अ स्टार। सैम लाखों लड़कियों की दिलों की धड़कन है। नाउ गेट आउट। तो फिर अपने लिए किसी दूसरे मैनेजर का बंदोबस्त कर लो। सुनो, तुम जैसे 36 मैनेजर सैम के एक डांस मूवमेंट से टपकते हैं, लेकिन सैम जैसा स्टार 2-4 सदियों में एक बार पैदा होता है और 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। Get out, you bastard! For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.